बॉलीवुड में हर तरह की फिल्में देखने को मिलती है, लेकिन फिल्म के सेंसर बोर्ड में हरी झंडी मिलने के बाद ही थिएटर में देखा जा सकता है। मगर इनमें से कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिन्हें भारत में प्रतिबंध कर दिया गया। बहरहाल इन सात बोल्ड फिल्मों को आप यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी है फिल्में। अनफ्रीडम, इस कड़ी में पहली फिल्म आती है अनफ्रीडम। बता दें कि इसे सेंसर बोर्ड ने इसलिए फिल्म पर रोक लगा दी रखी है क्योंकि यह फिल्म दो लड़कियों के संबंध पर आधारित है। फिल्म में इतने संवेदनशील सीन्स हैं कि यह परिवार में बैठकर नहीं देखी जा सकती, लेकिन आप इस फिल्म को यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। यह फिल्म 2015 में मई के महीने में रिलीज होनी थी। इस फिल्म को राज अमित शाह ने डायरेक्टर किया था। कामसूत्र 3D को स्पेशल पॉल ने डायरेक्टर किया था। फिल्म के रुपेश पॉल ने ही लिखा था कि इस फिल्म में पहले सलीन चोपड़ा ने काम किया और था, और फिल्म के ट्रीजर में भी सलीन को दिखाया गया था। सलीन चोपड़ा और डायरेक्टर के बीच विवाद होने के बाद सलीन को फिल्म से बाहर कर दिया गया। कामसूत्र 3D भी कुछ सीन्स की वजह से भारत में बैन है, मगर इन फिल्मों में छोटे छोटे हिस्सों में यूट्यूब पर मौजूद है। द प्रेट्स हाउस, प्रेट्स हाउस फिल्म में कुछ ऐसी सीन्स हैं जो सेंसर बोर्ड को आपत्तिजनक लगा सकते हैं, वजह से निर्देशक और सेंसर बोर्ड के बीच विवाद हो गया था। दोस्तों, इसी विवाद के चलते सेंसर बोर्ड ने फिल्म को भारत में बैन कर दिया गया, मगर यह यूट्यूब पर देखी जा सकती है। यूट्यूब पर यह फिल्म टाई फॉर राइटर के नाम से मौजूद है। दोस्तों, यू फेयर प्रोसेसर फिल्म, यू फेयर प्रोसेस की बोल्ड फिल्म दृश्यों की वजह से सेंसर बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिल पाई, हालांकि इसे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। इस फिल्म में फेमस एक्टर शर्मन जोशी के अलावा मनोज पहवा और अंत माली जैसे एक्टर भी थे। फिल्म साल 2001 में रिलीज होनी थी। फिल्म के निर्माता पंकज आडवाणी थे। ब्रैकेट क्वीन, फिल्म ब्रैकेट क्वीन की चर्चा तो आज भी पूरे बॉलीवुड में। यह फिल्म एक ऐसी औरत की कहानी पर आधारित है जिसकी समाज के कई लोगों आगू लूटी और इस हादसे के बाद वह महिला पूलन देवी के रूप में चंबल घाटी में डाकू बनकर अपना बदला लेने लगी थी। हालांकि ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन यह फिल्म आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। दोस्तों, एक है पादरी और एक फिल्म के संबंधों पर बनाई गई फिल्म सीन साल 2015 में आई है। इस फिल्म के